फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है, आज के इस लेक्चर के अंदर जावास्क्रिप्ट का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं। आज हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखने वाले हैं जो हमारी टाइप स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इस वर्ड को आपने काफी टाइम से सुना होगा, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारी टाइप स्क्रिप्ट होती है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो होती है लेकिन एक्चुअली में किस प्रकार से वर्क करती है, और जो हमारी जावास्क्रिप्ट होती है और जो हमारी टाइप स्क्रिप्ट होती है इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं इसकी भी हम बात करेंगे, और विद प्रैक्टिकल के साथ हम इसको देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टाइप स्क्रिप्ट की, जो टाइप स्क्रिप्ट होती है ये जावा स्क्रिप्ट की ही क्या होती है, एक स्ट्रिक्ट वर्जन होती है। जो हमारी टाइप स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, यानी कि जो हमारी टाइप स्क्रिप्ट होती है इसके अंदर जो रूल्स होते हैं ये और ज्यादा टफ बना दिए जाते हैं। जो हमारी जावा स्क्रिप्ट होती है इसकी अपेक्षा जो टाइप स्क्रिप्ट लैंग्वेज होती है इसके रूल्स क्या हो जाते हैं, टफ हो जाते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं कि रूल्स किस प्रकार से वर्क करते हैं दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जो हमारी टाइप स्क्रिप्ट होती है और जो हमारी जावा स्क्रिप्ट होती है। तो सबसे पहले देखते हैं, टाइप स्क्रिप्ट इज स्टैटिक टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो हमारी टाइप स्क्रिप्ट होती है ये एक स्टैटिक टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। वेयर जावा स्क्रिप्ट इज डायनेमिक टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जहां पर हमारी जो जावा स्क्रिप्ट होती है एक डायनेमिक टाइप्ड लैंग्वेज होती है। टाइप स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। जो हमारी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन कंपनी है इसके द्वारा ही टाइप स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया है और यही इसको मेंटेन करती है। और इसके अलावा जो हमारी टाइप स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसको काफी सारी कंपनीज यूज करती हैं। काफी सारी कंपनीज के अंदर जो हमारी टाइप स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये यूज की जाती है। अगर आपने जावा स्क्रिप्ट के सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया है उसके बाद आप टाइप स्क्रिप्ट को भी अपना टाइम निकाल करके इसको पढ़ सकते हैं। अब दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, जो हमारी जावा स्क्रिप्ट होती है और टाइप स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। जावा स्क्रिप्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ये डायनेमिक टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, और टाइप स्क्रिप्ट जो होती है ये स्टैटिक टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स का टाइप हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी टाइप स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है इसके अंदर हम किसी भी वेरिएबल के टाइप को चेंज नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए जावा स्क्रिप्ट के अंदर हमने यहाँ पर एक नम नेम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने वैल्यू 12 असाइन कर दी। अब यहाँ पर जो नम नेम का वेरिएबल है इस वेरिएबल का टाइप अभी के लिए यहाँ पर क्या है, नंबर टाइप है, और इसको बाद में हमने चल करके इसके अंदर क्या वैल्यू असाइन कर दी, इस वेरिएबल के अंदर हमने यहाँ पर ट्रू वैल्यू को असाइन कर दिया। अब इस कंडीशन पे यहाँ पे जो नम नेम का वेरिएबल है इसका टाइप चेंज हो चुका है, इसका टाइप चेंज होकर के क्या हो गया है, बुलियन हो गया है। ये पॉसिबल है कन्वर्जन जावा स्क्रिप्ट के अंदर, यानी जो हमारी जावा स्क्रिप्ट होती है ये डायनेमिक टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, यानी इसके अंदर हम एक वेरिएबल के टाइप को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जब भी हमारी मर्जी हो उस कंडीशन पे हम एक सिंगल वेरिएबल के अंदर उसका बदल सकते हैं, लेकिन जो हमारी टाइप स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है इसके अंदर हम वेरिएबल के टाइप को नहीं चेंज कर सकते हैं, बल्कि जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू को हम बदल सकते हैं सेम टाइप के अंदर। मान लीजिए यहां पर हमने नंबर नेम का वेरिएबल बनाया हुआ है और इसके अंदर जो हमने वैल्यू स्टोर की हुई है वो वैल्यू किस टाइप की है, यहां पर नंबर टाइप की ही वैल्यू है, यानी कि यहाँ पर एक नंबर टाइप की वैल्यू है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो वैल्यू स्टोर की गई है वो नंबर डेटा टाइप की है। अब इसके अंदर हम 12 की जगह 15 स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें यहाँ पर बुलियन टाइप की वैल्यू को स्टोर करना या फिर कोई यहाँ पर स्ट्रिंग को स्टोर करना, तो ये कन्वर्जन यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है जो हमारी टाइप स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इसीलिए ये क्या होती है, स्टैटिक टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको डिटेल में समझ लेंगे कि जो हमारी स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और जो हमारी डायनेमिक टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है इन दोनों में एक्चुअली में क्या डिफरेंसेस होता है, किस प्रकार से ये वर्क करती है, वहां से सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और ये भी हम बात करेंगे कौन कौन सी लैंग्वेज हमारी स्टैटिक टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और कौन कौन सी लैंग्वेज हमारी डायनेमिक टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो यहां से आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि जो हमारी जावा स्क्रिप्ट होती है इसके अंदर एक वेरिएबल के अंदर उसका टाइप हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी टाइप स्क्रिप्ट होती है इसके अंदर वेरिएबल का टाइप हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बल्कि जिस टाइप में वो वेरिएबल लिखा गया है उसी टाइप की वैल्यू को हम बदल सकते हैं। तो ये डिफरेंसेस होता है टाइप स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। इसको माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा डेवलप किया गया है जो हमारी टाइप स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।